गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की। तो ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिनकी वजह से पूर्ति प्रभावित हो जाती है, जिनकी वजह से पूर्ति में प्रभावित का मतलब पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, तो वो सभी तत्व हम उनके बारे में अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसकी बात करते हैं, वो है कीमत। अन्य बातें समान रहे या स्थिर रहे और किसी वस्तु विशेष की, ठीक है, किसी वस्तु विशेष की या अन्य बातें स्थिर रहे या समान रहे, लेकिन किसी वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी पूर्तिकर्ता अधिक करते हैं, और यदि कीमत में कमी होगी तो पूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से यदि कीमत की बात करें तो कीमत का बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे पूर्ति पे। कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने से पूर्ति है जो घट जाती है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा कीमत होता है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तुओं की कीमतें, दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतों का। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है मार्केट में कि कुछ जो विक्रेता है अन्य वस्तुओं की कीमतें जैसे बढ़ रही है तो उनकी सप्लाई ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं और जिस वस्तु की कीमत स्थिर है उसकी सप्लाई को कम करते हैं। अन्य वस्तुओं की बात करें तो हम प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात कर लेते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की तो वो क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं कीमतें, और सॉरी पूर्ति स्थिर कर देते हैं और चाय की पूर्ति है जो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि चाय में उनको ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और यदि चाय की कीमतें यदि स्थिर है, कॉफ़ी की यदि अचानक बढ़ने लगी है कीमतें, तो फिर वो क्या करते हैं, कॉफ़ी की पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिनसे कि ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो इस तरीके से अन्य वस्तुओं की बात करें तो किसी एक वस्तु की जैसे मान लो कीमतें स्थिर है लेकिन अन्य वस्तु की किसी भी वस्तु की कीमतें यदि बढ़ रही है तो उधर जो विक्रेता है आकर्षित होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंची कीमतों पे ज़्यादा माल बेचने से उनको प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ एक इसका एग्जांपल है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है उत्पादन साधनों की कीमतें। उत्पादन साधनों की कीमतें, हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के साधन। तो उत्पत्ति के साधनों की बात करी जाए तो कौन कौन से, इसमें हम बात करते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। मुख्य रूप से ये चार है, इसके अलावा संगठन को भी शामिल करते हैं बट मुख्य ये चार ही है। तो ये जो उत्पत्ति के साधन है यदि ये सस्ते मिलने स्टार्ट हो जाए तो जो उत्पादन लागत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से पूर्ति लोग क्या करेंगे, अधिक करेंगे। कंपनियां फैक्ट्रियां क्या करती है, उत्पत्ति के साधन यदि सस्ते या कम लागत पे मिलने स्टार्ट हो गए तो वस्तु की पूर्ति अधिक करती है, और यदि ये उत्पत्ति के साधन है जो महंगे हो गए या ऊंची कीमतों पे मिलने लग गए हैं तो लागत बढ़ने से स्वाभाविक है कि उत्पादन की पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूर्ति मात्रा में कमी आएगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से इसका जो प्रभाव विपरीत पड़ता है, यदि उत्पत्ति के साधनों की कीमतें यदि घट रही हो तो पूर्ति बढ़ती है, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें यदि बढ़ रही हो तो पूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरीके से इसका जो संबंध कैसा पड़ेगा, इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये उत्पत्ति के साधनों का भी एक कारण होता है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है उत्पादन विधि और तकनीकी सुधार। उत्पादन विधि और
तकनीकी सुधार। यदि कोई देश लगातार उत्पादन की तकनीकों में नए नए जो फॉर्मूले लगा रहा है, नई नई उत्पादन की तकनीकें एजाज कर रहा है, यानी नई नई तकनीकें बना रहा है और उत्पादन विधियां, ठीक है, नई उत्पादन विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो उत्पादन विधियां और नई तकनीकों का यदि प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से जो पूर्ति है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पूर्ति बढ़ जाती है, उत्पादन की तकनीकें और उत्पादन विधियों में यदि नयापन लाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा हुआ दिखेगा, अर्थात पूर्ति बढ़ जाती है। और पुराने वाले यदि तकनीकों से काम कर रहे हैं तो पूर्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसका एग्जाम्पल हम हरित क्रांति से ले सकते हैं। हरित क्रांति के समय 1965 से 67 के आसपास जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन में सरकार ने बड़ी मात्रा में क्या है प्रोत्साहन दिया था और नई तकनीकों का प्रयोग किया था। ठीक है, उत्पादन विधियों में सुधार किया गया और नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे हम देख सकते हैं कि आज उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है हमारे देश में। तो नई तकनीकों का जब भी या उत्पादन विधियों में कुछ सुधार करते हुए काम किया जाता है तो हमें उत्पादन बढ़ा हुआ ही देखने को मिलता है। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट। हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, उत्पादकों एवं विक्रेताओं की रुचि, उत्पादकों तथा विक्रेताओं की रुचि। अब एक चीज़ और टॉपिक आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ये पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि उत्पादक और विक्रेता की रुचि किसी विशेष प्रकार की वस्तु को बढ़ाने में है तो उस कंडीशन में उस वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, और यदि उनकी रुचि नहीं है किसी वस्तु में तो उसकी फिर पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज करिए एक फर्म है जो अभी साबुन बना रही है, ठीक है, लेकिन उनकी रुचि अचानक डिटर्जेंट बनाने में हो जाती है तो उस कंडीशन में डिटर्जेंट की पूर्ति तो बढ़ जाएगी और साबुन की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो उत्पादक या विक्रेता है उनकी रुचि पे भी डिपेंड करता है कि किसी वस्तु की पूर्ति अधिक होगी या कम होगी, तो रुचि के अनुसार भी पूर्ति की जाती है। यदि बात करें हम नेक्स्ट हमारे छठे पॉइंट की, तो यह है प्राकृतिक तत्व एवं साधन। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक तत्वों की, तो जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक तत्व बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं उन देशों में उस प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति बहुत अधिक होती है, और जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है तो उन देशों में उस वस्तुओं के पूर्ति पर भी क्या होगी, कमी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो खाड़ी देशों में यानी अरब कंट्रियों में वहाँ तेल बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, पेट्रोल डीजल है जो, तो वहाँ उसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनमें बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल है जो निकलता है। लेकिन हम बात करें अपने देश की भारत में तो यहाँ हमारे बहुत कम एक दो ही रिफाइनरियाँ चल रही है, तो जबकि वहाँ सैकड़ों की संख्याओं में है, तो इसलिए वहाँ प्रोडक्शन इसका अधिक होता है और हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन कम होता है। तो कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन जिन क्षेत्रों में अधिक हो गए वहाँ उन वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी, तो इसलिए खाड़ी देशों में, अरब कंट्रियों में जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है, उनकी पूर्ति अधिक होती है और
हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कम है, तो इनकी पूर्ति क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार से हमारे देश में जो तांबा है और अन्य जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका हम जिनके हमारे देश में बड़ी मात्रा में भंडार है, हमारे देश में दूध का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो हमारे देश में इन वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है। तो जिन देशों में इन चीज़ों का अभाव पाया जाएगा वहाँ उनकी पूर्ति कम होती है। तो प्राकृतिक संसाधन भी बहुत बड़ी मात्रा में ये इफेक्ट करते हैं। तो जहाँ प्राकृतिक संसाधन अधिक होंगे वहाँ पूर्ति अधिक होगी, जहाँ कम होंगे वहाँ कम होगी। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 नंबर पे। 7 नंबर का हमारा पॉइंट है यातायात एवं संचार के साधन। तो यदि यातायात और संचार के साधनों की सुविधा बड़ी मात्रा में और अच्छे से मिलती है तो पूर्ति भी अधिक होती है, और यदि यातायात और संचार के साधनों की यदि कमी होगी, अभाव होगा, तो उस कंडीशन में पूर्ति भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यातायात और संचार सुविधाएं भी पूर्ति को प्रभावित कर सकती है या करती है। हम देखते हैं कि शहरों में जैसे सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि शहर एक दूसरे शहरों से जुड़े होते हैं, तो जहाँ जिन शहरों से सब्जियों की जो सप्लाई होती है तो वहाँ आसानी से संचार के साधनों की सुविधा के कारण है जो पूर्ति हो जाती है। लेकिन हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ति कम हो पाती है, क्योंकि संचार की सुविधाएँ यानी यातायात की सुविधाएँ हैं वो नहीं होती है या महंगी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पूर्ति कम होती है। तो ये भी एक बड़ा फर्क पड़ता है कि यातायात की सुविधा या संचार के साधन की सुविधा या ये यातायात की सस्ती सुविधा यदि है या नहीं है। तो जहाँ ये अच्छे से होती है तो वहाँ पूर्ति अधिक होती है, जहाँ नहीं होती है वहाँ पूर्ति कम होती है, तो ये भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वां नंबर हमारा पॉइंट है युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता। तो युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी इसका जो फर्क है हमें देखने को मिलता है। युद्ध और यदि राजनीतिक उथल पुथल हो या अस्थिरता हो तो वहाँ पूर्ति कम होती है, और यदि युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता जिन देशों में नहीं होगी वहाँ जो पूर्ति है वो अधिक होती है। सामान्य हालात में यदि हम देखें तो पूर्ति है जो अधिक ही देखने को मिलती है, क्योंकि अधिक पूर्ति करेंगे लोग पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि उस देश पे युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हो, युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हो, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ हमें पूर्ति है जो कम ही देखने को मिलेगी, और वस्तुओं के भाव बड़ी मात्रा में बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी वर्तमान में पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, और युद्ध से भी वो बार बार जो नज़दीक आने का प्रयास कर रहा है युद्ध की स्थिति में भी, इसी प्रकार से चीन में भी, तो यहाँ है तो पूर्ति है जो वस्तुओं की जो अधिक है जो नहीं देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की विशेष बात करें तो वहाँ ये जो पूर्ति है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से वस्तुओं के भाव है जो बढ़ रहे हैं वहाँ। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में है तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से क्या पूर्ति जो नियमित तरीके से चल रही है वो उसी तरीके से हो रही है। तो जिन देशों में अभी आर्मेनिया और अजरबैजान जो दो देश थे वहाँ के दोनों में युद्ध हुआ, युद्ध की स्थिति में वहाँ है जो पूर्ति पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि कारखाने फैक्ट्रियाँ सब लगभग बंद हो जाती है युद्ध की स्थिति में, और राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पूर्ति ब्लॉक हो जाती है, पूर्ति रुक जाती है, और ऐसी स्थिति यदि नहीं हो तो पूर्ति सामान्य रूप से जिस तरीके से चलती है वो चलती रहती है। तो ये भी एक कारण होता है युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता का भी। नेक्स्ट जो 9वां पॉइंट है वो है
राजनीतिक सॉरी सरकारी नीति। सरकारी नीति बोलते हैं, राजनीतिक नीति भी इसको बोल सकते हैं, बट इसको सरकारी नीति बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियों के कारण भी किसी विशेष प्रकार की वस्तु को यदि संरक्षित किया जाता है, करों में छूट दी जाती है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसको आर्थिक अनुरक्षण दिया जाता है, इसके अलावा उसको सब्सिडी दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है जो कृषिजन्य जो पदार्थ है, सरकार ने इनको बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है किसानों को और को, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। कृषि जो पदार्थ है वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तो इसलिए सरकारी नीतियां भी कहीं ना कहीं पूर्ति को प्रभावित करती है। तो इसलिए जहां सरकारी जो नीतियां हैं, जिन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास की ओर अग्रसर होगी, सरकार उनको अन्य सुविधाएं देगी, करों में छूट करेगी, उनको अनुरक्षण देगी और उनको सब्सिडी यानी छूट भी देगी, लोन भी देगी उनको प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उन वस्तुओं की पूर्ति तो अधिक होनी ही है। तो इस तरीके से ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है उत्पादकों एवं विक्रेताओं में गठबंधन। उत्पादकों एवं विक्रेताओं में गठबंधन, यदि उत्पादक या विक्रेता है इनमें यदि किसी प्रकार का कोई गठबंधन हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, किसी एक वस्तु की जो पूर्ति है उसमें कमी कर सकते हैं और कमी करके उनकी रेट को बढ़ा करके फिर वापस पूर्ति अधिक करते हैं। तो इस तरीके से फिर उनके हाथ में हो जाता है, आपस में तय कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पूर्ति में परिवर्तन संभव हो पाता है। वो गठबंधन होने से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं लोग, और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से गठबंधन किए जाते हैं, जिससे कि पूर्ति पहले कम की जाती है, पूर्ति कम होते ही रेट बढ़ जाती है। ठीक है, ये मानिए कि एक से मान लो चावल की एक दो मिले हैं एक बड़े शहर में, तो वो आपस में गठबंधन कर लेती है कि ठीक हम पहले पूर्ति कम करेंगे, दोनों चावल मिले क्या करती है पूर्ति कम कर देती है, पूर्ति कम करने से भाव अचानक बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, दोनों अच्छे से सप्लाई करते हैं जिससे कि अच्छी कीमतें कमा पाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक कारण होता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मांग बढ़ने पर। मांग बढ़ने पर, तो हम जानते हैं कि मांग बढ़ती है तो पूर्ति लोग अधिक ही करते हैं जिससे कि पैसा कमाया जा सके, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से पूर्ति मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये कुछ कारण थे पूर्ति में, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व के और पूर्ति में परिवर्तन के भी इसको बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।